आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, कौन से ऐसे पांच पैरामीटर हैं जो आपके बिहेवियर से आप जज कर सकते हो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कोई इश्यू चल रहा है या प्रॉब्लम चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जीडी भार्गव। मैं प्रेजेंट करता हूं अवर ब्रेन अवर लाइफ को। आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, कौन से ऐसे पांच पैरामीटर हैं जो आपके बिहेवियर से आप जज कर सकते हो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कोई इश्यू चल रहा है या प्रॉब्लम चल रही है। दूसरा, आप पब्लिकली कैसा बिहेव करते हो, वो भी आज मैं पांच पैरामीटर आपको बताऊंगा। और लास्ट में वीडियो के अंत में आपको यह बताऊंगा कि हमारी सोल पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, जिसको हम सोल बोलते हैं मोटी भाषा में, नॉर्मल बोलचाल में। अदरवाइज जो पैरा सबकॉन्शियस माइंड है, अगर टेक्निकल बात करें, पैरा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो वीडियो है सोलमेट एंड पैरा सबकॉन्शियस माइंड, वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। पैरा सबकॉन्शियस माइंड को ही हम नॉर्मल भाषा में सोल बोलते हैं। तो हम ये शुरू करते हैं इन्हीं पॉइंट्स को लेके कि वीडियो क्या है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको इतने अच्छे वीडियो शेयर करते रहें। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो अब हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वो है क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मेन मतलब ये है कि हमारी जो पास्ट लाइफ है, पिछला जन्म है, उसके अंदर अगर कोई हर्डल्स हैं जो हमने कैरी किया, वो हम कैरी क्यों कर रहे हैं, That is because of parasubconscious mind. वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, parasubconscious mind की वजह से हम इसको कैरी कर रहे हैं, जिसको नॉर्मल भाषा में सोल बोलते हैं। तो उस सोल की वजह से हम कैरी कर रहे हैं और उसी की वजह से ये हर्डल हमारी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी हम इनसे परेशान होते हैं, कभी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दोनों ही चीजें हमारे लिए हानिकारक हैं। वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दैट एनवायरमेंट। ठीक है, तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन। बहुत सारे टाइम हमारे साथ ऐसा होता है, हम कोई मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटी लास्ट मोमेंट पे अपनी लाइफ में। जैसे अगर कोई आदमी डेथ बेड पे है और वो कह रहा है मेरे को अपने बच्चे की शादी करनी थी, मेरे को मेरे बच्चे की शादी करनी थी, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल, और वो एक्सपायर हो गया। पैरा सबकॉन्शियस माइंड उस शादी में अटैच था, अगली बार वो हर्डल्स ऐसे ही क्रिएट होंगी, या तो ऊपर अट्रैक्शन हो जाएगा डिफरेंट मैरिजेस करवाने में, या कभी कभी डिटैचमेंट हो जाएगी। किसी को मान लो पिछले जन्म में आपको बच्चों से बहुत परेशानी थी, आप रोज चिल्ला रहे हैं हे भगवान मेरे बच्चे ना ही होते तो मैं ज्यादा खुश था, ऐसा बोल देते हैं ना नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। और अगर आपने लास्ट मोमेंट तक उसको ही कैरी किया तो पैरा सबकॉन्शियस में वो रिकॉर्ड हो जाएगा और इस जन्म में यू विल स्ट्रगल फॉर द चाइल्ड। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इस जन्म में हर्डल होंगी और इस जन्म के अंदर कोई भी चीज नॉर्मल कंडीशन में आपको मेडिकली प्रूव ही नहीं हो पाएगी, जैसे डॉक्टर आपको बता ही नहीं पाएगा आपको प्रॉब्लम क्या, बट यू विल स्ट्रगल, एनवायरमेंटल कंडीशन ही ऐसी रहेगी आपके साथ। हाई अफेक्शन ऑफ पास्ट लाइफ, जिसे बोलते हैं ना डेजा व्यू काइंड ऑफ, हमें सडनली लगेगा कोई चीजें हमने देखी हुई हैं, ये हमने पहले महसूस किया हुआ है, यहाँ हम पहले आए हुए हैं, इस तरह के हमें आभास होते हैं। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स या आभास या हमें अफेक्शंस, ये सारे के सारे PLR की वजह से होते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो अब आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है, ओवर अटैचमेंट या डिटैचमेंट ऑफ प्रीवियस लाइफ। ये कोई भी जन्म हो सकता है, कितनी ही लाइफ को हम कैरी करते हैं, जो मैं लास्ट में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं उसे आपको समझ आ जाएगा। ये हमारे सोल पे भी इंपैक्ट डालता है, पैरा सबकॉन्शियस माइंड पे, राइट। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंपैक्ट। पांच पॉइंट ऐसे कौन से हैं जिनको ये PLR की वजह से बिहेवियरल इंपैक्ट हो जाता है। तो पहला पॉइंट लेते हैं, कभी कभी ओवर अटैचमेंट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं,
गोवा जाना है। एक आदमी 20 बार गोवा गया, अरे जो मजा गोवा जैसा है ना वो कहीं नहीं, जबकि बहुत सारे बीचेस हैं जो बहुत अच्छे हैं, बट वो स्ट्रगल है, मेरे को गोवा जाना है, गोवा जाना है बस, तो उसके अलावा वो कहीं जाने को तैयार नहीं है। और वहां वो कितना भी जरूरी काम है उसको छोड़ के भी जाने को तैयार है। और एक दूसरा आदमी है, वो गोवा जाने को ही तैयार नहीं है। उससे पूछोगे भाई आप गोवा क्यों नहीं जाना चाहते, तो वो आपको बताएगा नहीं कुछ नहीं, कभी गए हो, नहीं मैं नहीं गया, तो जाना चाहिए, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैंने मेरे दोस्त से पूछा था वो अच्छी जगह नहीं है, तो उसने परसेप्शन बना लिया। तो किसी भी पर्सन से भी, लोकेशन से, किसी एनवायरमेंटल कंडीशन से हम अटैच हो जाते हैं या हम डिटैच हो जाते हैं। ओवर अटैचमेंट, ओवर डिटैचमेंट इज ए पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्रॉब्लम। PLR की वजह से ही ये सब हो रहा है। जो इसको समझने की कोशिश करते हैं वो उससे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया हमारा क्लियर, व्हाट इज PLR का इंपैक्ट बिहेवियर पे क्या होगा। लिसन ए स्पेसिफिक साउंड, अब ऐसी कोई आवाज नहीं जो है नहीं फिजिकली, वो इल्यूजन्स हो गए, उनको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई ऐसे साउंड ट्रैक जो स्पेसिफिकली आप सिर्फ वही सुनते हो, जैसे मैं तो जी कोरियन सुनता हूं, मैं तो इंग्लिश सुनता हूं, अब आप हर जगह हर पार्टी में कोरियन या इंग्लिश एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम इंडिया में रहते हैं, हिंदी तो बजेगा और पंजाबी तो जरूर बजेगा। आप नहीं यार बोर है पार्टी, क्यों, क्यों कोरियन ट्रैक नहीं है, क्योंकि यहां इंग्लिश ट्रैक नहीं है। तो कोई भी एक साउंड से आप इंपैक्टफुल चले जाते हो। कभी कभी कुछ साउंड आपको इरिटेट करने, ये हॉर्न बजाना की साउंड नंबर को इरिटेट कर, ये वाले हॉर्न की क्या कर सकते हैं, बट आप इरिटेट हो गए, ये PLR की वजह से होता है। तीसरा पॉइंट लेके चलते हैं, टेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग। आपको शुगर है, मेरे को तो रसगुल्ले का टेस्ट ऐसा है मैं रसगुल्ले खाए बिना रह ही नहीं सकता, या मेरे को स्पाइसी खाना है बट मेरे स्टमक में प्रॉब्लम है, अल्सर है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है, बट मेरे को स्पाइसी ही खाना है। तो हम जो किसी स्पेसिफिक टेस्ट के साथ अटैच हो जाते हैं वो भी PLR की वजह से होते हैं, और इसका हमारी इस लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, ये जरूर याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप बंगाल में रह रहे हैं तो भाई बंगाली रसगुल्ला तो खाएंगे ही, चॉइस क्या है आपके पास, ठीक है। हरियाणा में अगर आप रह रहे हैं तो घी दूध तो पियेंगे ही। ये ऐसी है जहां आपके पास चॉइस नहीं है, मतलब उस एनवायरमेंट के अंदर आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, तो डेफिनेटली उसको आप इग्नोर कर दें। आप हरियाणा में रहकर बंगाली रसगुल्ले के अलावा कुछ नहीं खा रहे हैं, और स्पेसिफिकली कंडीशन शुगर भी है तो PLR का इशू, क्योंकि आप जानते हैं ये आपको नुकसान देगा फिर भी आप कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं, टच द थिंग्स। हम चीजों को महसूस करने की कोशिश करते हैं, ये भी कहीं अटका हुआ है हमारे दिमाग, हम कोई चीजें महसूस नहीं कर पाए पिछले जाने। जैसे आपकी बहुत ही आसान एग्जांपल देता हूं, आपकी गाड़ी की सर्विस होनी है और सर्विस मैनेजर का फोन आया, उसने बोला सर आपके टायर भी ना खराब है, कंडम हो गए, ये टायर में नए डालो। और उसने रिनॉन, आपने पूछा कौन सी कंपनी के टायर, उसने रिनॉन नेम लिया, चार पांच नाम लिए आपके जो आपको पता है, मतलब जो टायर की मेजर कंपनियां हैं उनके नाम लिए उन्होंने XYZ। अब आपको लगा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन सडनली आप यार पता नहीं क्या डालेगा, नहीं नहीं मैं आ रहा हूँ वहां पे, मैं चेक करूंगा। और आप क्या चेक करेंगे, कंपनी का नाम तो वही है, आप जाके उसको टच करेंगे, जैसे आप नायलॉन के एक्सपर्ट हैं, उस टायर के एक्सपर्ट हैं, पेट्रोलियम के एक्सपर्ट, कुछ नहीं, जस्ट टच, हाँ ठीक है यार यही कर दे, यही लगा दे। और ऐसा हम बहुत बार करते हैं, घर के पर्दे, सब कुछ कलर, सब कुछ फिनिशिंग, सब कुछ फाइनल कराए हैं आप, सडनली सर उसने बोला कि आगे है उस कंपनी का, नहीं नहीं एक बार वो मैं टच करके देखता हूं। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो PLR में कहीं ना कहीं आपका पैरा सबकॉन्शियस अटक गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिफ्थ पॉइंट, स्मेल द थिंग्स। हम कोई भी चीज को स्मेल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कोई शादी में गए आप इंजॉय कर रहे हैं, चलो तो खाना, नहीं यार कोई खुशबू अच्छी नहीं आ रही, मेरा मन ही नहीं कर रहा खाने का, मतलब उस आदमी ने लाखों रुपया लगा दिया बेचारे, बढ़िया से बढ़िया वहां खाना बना हुआ है, बट आपको
स्मेल नहीं आ रही, आपको प्रेगनेंसी नहीं लग रहा उस खाने को, तो आप उस खाने को अवॉइड करेंगे, खाएंगे नहीं, नहीं मेरे को नहीं खाना। और जबकि वो सबसे बेस्ट चीज बन गई, अरे खा के तो देख ले, आपके साथ के फ्रेंड बोल रहे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। और या कहीं ऐसी जगह आप खड़े हैं जहां चीजें अच्छी नहीं बन रही हैं, और आपने क्या किया, आपको फ्रेग्रेंस अच्छी लगी, वो खाना खा लिया, फूड पॉइजनिंग हो। तो हम जजमेंटल हो रहे हैं सिर्फ स्मेल या फ्रेग्रेंस की, रेदर देन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम ऐसा लगातार बिहेवियर कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन, तो ये PLR का इश्यू। तो ये पांच आपको मैंने बता दिए हैं, ये मेजरली अगर आपकी लाइफ में है तो डेफिनेटली आपको चेक करना चाहिए कुछ ना कुछ PLR के इश्यूज।